ये करा फैमिली अब रात हो चुकी है और अभी जो मैं सोने जा रही हूँ, आपको लगेगा कि सुबह हो चुकी है। हाँ गाइस, मैंने आपके साथ प्रांग किया है एंड इट इज नेक्स्ट डे एंड टुडे इट्स माय बर्थडे ये। और मेरे को बहुत सारी विशेस मिल गई हैं, इसी फोन से मिलेगी भाई, है ना। और भाई बहुत ज़्यादा धूंध हो रही है, बाद अभी दिखाती हूँ मैं आपको यार। और हाँ, मैंने इस कल की छुट्टी ली है क्योंकि इट्स माय बर्थडे और अभी मैं नहाऊंगी, पर लेकिन घर में पानी नहीं है यार, पानी खत्म हो गया, किसी ने मोटर ही नहीं चलाई गाइस। दिस इज नॉर्मल लाइफ यार, सबके घर में मोटर होती है, सबके घर में पानी नहीं आता यार। चलो अभी मैं यहाँ पे अभी मैं जाऊंगी नहाने कहीं, ताकि तो नहाने ही जाऊंगी। और अभी मैं आपको धूम दिखाती हूँ बाहर से, खत्म हो गई। वाओ, धूंध ही खत्म। फैमिली अभी जो है मैं अभी भी नहीं आई हूँ क्योंकि आपको तो पता है पानी है नहीं, और मम्मी जो है थोड़ा सा रूम साफ कर रही है और मैं भी उनकी हेल्प कर रही हूँ। यार बर्थडे है, थोड़ा सा तो हेल्प करनी ही चाहिए ना। और हाँ, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आज मेरे बर्थडे है। और हाँ, ये रूम में हल्का सा फैला हुआ है तो उसकी हम सफाई कर रहे हैं, मम्मी और मैं करेंगे। तो जब पानी आएगा मेरे को तो तभी नहाना पड़ेगा, और मैं नहा भी नहीं हूँ, मैं तो यूं ही हूँ। मेरे को ना, अगर मैं नहाती हूँ ना एक दिन में, तो मेरे को ना इरिटेटिंग सी होता है, पर लेकिन मेरे को नहाना तो नहाना ही होता है भाई। मैं कभी भी नहीं हो सकती कि मैं जैसे, ऐसे नहीं होता कुछ लोग जैसे नहाते ही नहीं है, एक दिन छोड़ के एक दिन नहाते, मैं नहीं हूँ भाई, मैं तो डेली नहाती हूँ। और भाई जब पानी आएगा मेरे को तभी नहाना पड़ेगा, जब पानी आएगा ना तब डेकोरेशन वाले भैया आ जाएंगे, तो फिर हाँ यार मेरे को इस रूम में लॉक होना था, पर लेकिन तब तो बलून ही फुला रहे होंगे ना वो, तो इसीलिए अभी जो है मैं अपनी मम्मी की हेल्प करवा रही हूँ। तो चलो तब तक आप, मैं मम्मी को हेल्प करवा रही हूँ ना, उसके सिनेमैटिक शॉट्स देख लो। अरे डांस, गाना ही रोक दिया। अभी जो मैं सो गई थी, अभी जो मैं उठ चुकी हूँ, मैं 12 बजे सोई थी और अभी 2 बजे उठी हूँ, मम्मी ने उठाया क्योंकि पानी आ गए भाई, 2 बजे जाके पानी आया है। तो अभी मैं नहाया थी, फिर मैं आपको अपनी आउटफिट दिखाती थी, फर्स्ट आउटफिट, फिर उसके बाद मैं सेकंड आउटफिट भी दिखाऊंगी। तो चलो मैं नहाने जाती हूँ। फ्रेंड्स, मैं सोच रही हूँ कि जो मेरी ड्रेस है ना, हाँ गाइस, मैंने अपने नहा के आ चुकी है और अभी मैं आपको अपनी ड्रेस दिखाऊंगी। रुको रुको भैया, सवेर रखो थोड़ा। तो मैं सोच रही हूँ कि बाल खुले रखूँ या फिर छोटी बना लूँ। नहीं, खुले ही रखूँ। खुले रखूँ तो चलो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये है मेरी आउटफिट, इट्स माय वन पीस, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे है। सो लेट मी शो यू पूरी होल पूरी जैसे दिखाती हूँ। यार लाइट आती है ना, मुझे वो पसंद नहीं है। एक तो यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट भी है ना, तो इसीलिए चार्जर ही चार्जर है। एक मिनट, यहाँ पे फोन भी है। अबे हो भाई, यार ये हमेशा मेरे से फोन गिरता है बहुत यार। चलो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, दिस इज माय वन पीस गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे फटाफट से अपनी क्रीम लगा लेती हूँ क्योंकि जो मेरी स्किन है ना वो बहुत ड्राइंग है, मतलब जब ठंडी आती है ना तो एकदम ड्राई हो जाती है। तो फटाफट से मैं अपनी स्क्रीन पे ये वाला, सॉरी स्किन पे वाला वो लगा रही हूँ, क्रीम लोशन लगा रही हूँ बॉडी पर। बर्तनों की आवाज़ आ रही है क्योंकि बर्तन धुले हैं, आप धुलेंगे पता है ना, क्योंकि पानी है। और हाँ, पानी आ गया था इसलिए मैं नहा भी आई। तो फटाफट से मैंने बॉडी पे लगा लिया है और बहुत ज़्यादा आवाज आ रही है क्योंकि बर्तन धुल रहे हैं। ये वाला बॉडी लोशन लगा रही हूँ, चलो फटाफट से क्रीम लगा लेते हैं। ये तो एक तरीके से ग्राम हो गया, पर लेकिन इट्स नॉट एन ग्राम। और हाँ, वैसे भी जब ये व्लॉग आएगा तब तो मेरा बर्थडे चला ही जाएगा। और हाँ, अभी मैं अपनी ड्रेस लेने जाऊंगी और अपना केक भी लेने जाऊंगी, मेरा केक बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बना है यार, पता नहीं। और
और लोगों को अच्छी लगेगी या नहीं मेरा केक, बट वो तो मेरे ऊपर है ना, आई एम सेल्फ ऑब्सेस्ड। अब मम्मी ने बोला उतने मिशो लड़ाई करते रहते, पर लेकिन वाई मी, लेट मी शो यू वंस मोर, इट इज माय ड्रेस, यस। चलो अभी मैं आपको अपनी ड्रेस के पॉइंट पे मिलती हूँ। फैमिली अभी जो है मैं जा रही हूँ और यहाँ से नानी के पास जा रही हूँ आज मैं पैदल पैदल, क्योंकि घर में कोई गाड़ी नहीं है और हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा गड्ढे होते हैं। तो अभी मम्मी जो यहाँ पे गाय को रोटी, मतलब मम्मी गाय को रोटी दे रही है और मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ। और मैंने कैप पहन लिया, मम्मी ने पहन रखी थी। मम्मी देखो ये रहा मेरा केक, अरे रिवील नहीं करूँगी। और यहाँ पे मैंने कुछ खाने का लिया है क्योंकि मेरे को भूख लग रही थी, और मम्मी जो है यहाँ पे मेरे लिए पॉपकॉर्न और वो बर्थडे के लाई है। तो चलो अभी मैं यहाँ पे खा लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो चलो मैं खा लेती हूँ। जो कि बहुत अच्छी लग रही है, और मेरी ड्रेस जो मेरी ड्रेस और मतलब केक आपके लिए सरप्राइज़ है। ये तो मैंने सोचा था कि सरप्राइज़ रखूँगी पर लेकिन हो ही नहीं पाया। और दिखाई से देखो मेरी मम्मी ने बोला था कि हम ना ऐसे ओपन ही लगवाएंगे, पर लेकिन डेकोरेशन वाले भैया अपने आप ही लगा हुए हैं। जब हम बाहर थे ना तो डेकोरेशन वाले भैया डेकोरेशन कर रहे थे, अपने आप ही लगा हुए वो। और भाई मेरी भी शो गई क्योंकि मेरे को ऊपर लगाने थे। एक बार देखो मेरी डेकोरेशन और ये मेरी ड्रेस, ये रहा मेरा केक केक है ना, ये रही 11 का वो 1 2, अब मैं 11 ईयर्स का हो गया। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मैंने केक कट कर लिया था, यहाँ पे जो है मैं सबको केक खिला रही हूँ। मैंने इसको खिला दिया, अब मैं अपना फेस धो लेती हूँ क्योंकि चिपचिपा हो रहा है। सो गाइस ताना बोल रहा है कि मेरा गिफ्ट है, कैसे तो मैं इसका गिफ्ट अनबॉक्स कर दूँ। तो फाइनली मैंने जो खाना खा लिया, पर इधर मैंने दिखाया नहीं, और अब मैंने खा लिया। अरे आ जा फ्रेंड्स, खाने में बना है शाही पनीर, मिक्स सब्जी, छोले और चावल और पूरी और रोटी बनी थी खाने में, सबने खा लिया। और खाना रोटी खा रहे। सो फ्रेंड्स अभी जो है मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए, पर लेकिन पेन नहीं उतारी है, तो अभी मैं इसको उतार के फिर सो जाऊंगी। और अभी मैं यहाँ पे जो है थोड़ा सा और खा रही हूँ क्योंकि मेरे को फिर वापस से भूख लग गई है, और यहाँ पे मिट्टू भी खा रहे हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, बाय, सी यू अगेन।